खेल के जरिए बाल शोषण और बाल अत्याचार पर प्रहार को लेकर आयोजित सत्यार्थी खेल महोत्सव संपन्न हो गया। खेल महोत्सव के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कारगिल युद्ध के हीरो रहे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव मौजूद थे। समापन कार्यक्रम से पहले बाल मित्र गांव के बच्चों के बीच फाइनल प्रतियोगिता आयोजित की गई। 27 दिसंबर से शुरू हुए खेल महोत्सव में कोडरमा और गिरिडीह के बाल मित्र गांव के 3200 बच्चों ने भाग लिया। इस महोत्सव में ग्रामीण बच्चों के बीच फुटबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कबड्डी प्रतियोगिता में डोमचांद प्रखंड के बंगाल खलार की टीम विजयी रही, जबकि फुटबॉल मैच में गिरिडीह जिले के तीसरी चकलमुंडा की टीम ने जीत हासिल की। समापन कार्यक्रम के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने अनुभव को छात्राओं के साथ साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने गोली लगने के बावजूद टाइगर हिल चोटी से पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ा था। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि खेल और फौज अनुशासन सिखाता है और अनुशासन एकजुटता की पहली सीढ़ी होती है। उन्होंने कहा कि आज वक्त बदल रहा है और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी बड़े बड़े मंच पर अपना परचम लहरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्यार्थी फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर गोविंद खनाल ने बताया कि 27 दिसंबर से शुरू हुए इस खेल महोत्सव में 500 बाल मित्र ग्राम के बच्चों ने भागीदारी निभाई और अब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मौके पर विजयी कबड्डी टीम की खिलाड़ी प्रीति ने बताया कि एक समय था जब उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज फाउंडेशन के प्रयास से न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही है बल्कि अपने खिलाफ हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद कर रही है। डोमचांद से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हम लोग को पहले घर से निकलने नहीं दिया जाता था, हम लोग स्कूल भी नहीं जाते थे और बाल मजदूरी किया करते थे, लेकिन जब से हमारे गांव में कला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की के कार्यकर्ता भैया लोग हमारे गांव में काम करने के लिए आए, तब से हम लोगों को समझा बुझा कर सबसे पहले सभी बच्चे का स्कूल में नामांकन करवाएं और हमारे गाँव में बाल पंचायत का गठन करवाया गया। उसके बाद हमारे गाँव में हमारे समाज में जितनी सारी कुरीतियाँ थी जैसे बाल मजदूरी, बाल विवाह, इन सभी को ख़त्म करवा के हम सभी बच्चों को हमारा अधिकार का एहसास दिलवाएं और इस तरह से हमारे समाज में सभी कुरीतियाँ जो थी बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल शोषण सबकी खात्मा हो पाई है और हम सब बच्चे आज यहाँ पे निकलकर इस तरह से हमारे साथ आज कुछ भी शोषण होता है तो उसका हम विरोध करते हैं, उससे लड़ते हैं और अपनी समस्या को खुद समाधान करते हैं। जिस तरह से सेना एक अनुशासन के ऊपर टिकी होती है उसी तरह से खेल भावना भी बच्चों के अंदर एक अनुशासन तो जागृत करती ही करती है, साथ साथ उस सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा करती है। अगर बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है तो वो किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, उस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। कि आज हमारे देश के गाँवों के बच्चे गांवों से घरों से निकल करके शहरों में आकर के खेलना शुरू किया है तो निश्चित तौर के ऊपर ये हमारे देश की उन्नति और विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि ये बच्चे और बच्चियां ही देश की ताकत हैं, शक्ति हैं और आने वाले समय में यही देश के कर्णधार बनेंगे, देश के सूत्रधार बनेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और अगर देश का बच्चा अपने बचपन को जिएगा तो राष्ट्र बड़ा सशक्त और समृद्ध होगा। जय हिंद। ये सबसे ज़्यादा हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती रही है कि बच्चियों को हम कैसे उनके अंदर एक आत्मविश्वास का विकास करें, क्योंकि कोडरमा गिरिडीह जैसे ज़िलों में बच्चियां बाल विवाह के शिकार हो रही है, बाल तस्करी के शिकार हो रही है और तरह की कई शोषणों के शिकार हो रही है और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना हम लोगों की एक पहली चुनौती रही है। तो हम लोगों ने सत्यार्थी खेल महोत्सव के माध्यम से पिछले कई सालों से बच्चों को हम इनकरेज करते रहे खेल के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए। परिणाम स्वरूप आज हमारे पास हजारों की संख्या में, लगभग मैं समझ सकता हूँ कि इस खेल मेला में 3200 से ज़्यादा बच्चियों ने शामिल भागीदारी की और बहुत ही उत्कृष्ट इन्होंने प्रदर्शनी नहीं की बल्कि बच्चों में एक जीतने की, लड़ने की और सफल होने की जो जज्बा पैदा हुई है ये हमारा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मकसद फुलफिल हो रहा है कि दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयुक्त लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।